सैनिक स्कूल भारतीय सेना और देश के शौर्य की प्राण शक्ति है। सैनिक स्कूल मजबूत और बौद्धिक क्षमता के श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण कर रहे हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा कर एक नई क्रांति का आह्वान किया है। अब हर राज्य और हर केंद्र शासित प्रदेश में नए सैनिक स्कूल खुलेंगे। डेयर स्कॉलर्स को भी दाखिला मिलेगा। 50% बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। हर सैनिक स्कूल एक खेल में दक्ष बनाया जाएगा। निजी संस्थाओं और एनजीओ के साथ मिलकर सरकार सिर्फ 100 नए सैनिक स्कूल ही नहीं बनाएगी, बल्कि सारे देश में राष्ट्र प्रेम की एक नई ज्वाला प्रज्वलित करेगी। ये सारे ऐतिहासिक बदलाव सिर्फ अगले 2 साल में ही पूर्ण किए जाएंगे। अब सरकार ने तय किया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई, माता भाग कौर और केलारी चेनम्मा जैसी वीरांगनाओं से प्रेरणा लेती आज की सशक्त लड़कियों के लिए भी अब सैनिक स्कूलों में प्रवेश के द्वार खुल गए। अब हमारे देश की लड़कियां भी बालकों के संग कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। ये कदम लड़कियों को न केवल नई शिक्षा, नया दृष्टिकोण, नई ऊर्जा देगा, बल्कि उनके लिए नई राहें भी खुलेंगी। ये कदम लड़कियों को भारतीय सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने में सहायक सिद्ध होगा। एनसीसी, अनुशासन की पहचान, देश की शान, दुनिया में सबसे बड़ा गौरवपूर्ण यूनिफॉर्म्ड युवा संगठन एनसीसी अब और सक्रिय, सुदृढ़ और साहसी बनेगा। इस दिशा में प्रधानमंत्री जी ने अपने विजन के तहत एक महत्वपूर्ण पहल की है। एनसीसी की ट्रेनिंग, उसकी क्षमताओं को भी सरकार तेजी से बढ़ा रही है। अब सभी एनसीसी कैडेट्स को पहली बार सिमुलेटर द्वारा आधुनिक प्रशिक्षण मिलेगा। इसके लिए फायरिंग सिमुलेटर की संख्या 1 से बढ़ाकर 98, रोइंग सिमुलेटर 10 से बढ़ाकर 71, फ्लाइंग सिमुलेटर 6 से बढ़ाकर 50 कर दिए गए हैं। अब सिमुलेटर पर आधुनिक प्रशिक्षण पाकर हमारे एनसीसी कैडेट्स देश के लिए शूरवीर जाबाज योद्धा बनेंगे। जब ये फोर्सेस में शामिल होंगे तो ये प्रशिक्षित कैडेट्स भारतीय सैन्य बल को और प्रबल करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने देश के समस्त सीमावर्ती क्षेत्रों के समीप मुख्य तालुकों के हजारों स्कूलों में एनसीसी की यूनिट स्थापित करने का फैसला करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया। देश के बॉर्डर के निकट बसे बच्चों में इस कदम से देश प्रेम की नई ज्वाला जगी है। एनसीसी कैडेट्स अब सीमाओं के प्रहरी के रूप में उभर रहे हैं और हमारी सीमाओं के सुरक्षा बल को एक युवा सैन्य कवच प्रदान कर रहे हैं। हर एनसीसी कैडेट एनसीसी से आजीवन जुड़ा रहना चाहता है। वंस एन एनसीसी कैडेट ऑलवेज एन एनसीसी कैडेट। माननीय प्रधानमंत्री जो खुद भी एक पूर्व एनसीसी कैडेट हैं, आज एनसीसी अलुमनाय एसोसिएशन का लॉन्च कर रहे हैं। अब पूर्व एनसीसी कैडेट्स को फिर एनसीसी से जुड़ने के द्वार खुल जाएंगे और देश को नए परिपक्व मार्गदर्शक और मेंटर्स मिलेंगे।